राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द ही हो सकता है। तमाम चर्चाओं के बीच सीएम गहलोत ने दिल्ली में ही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की है और इस मुलाकात के बाद मंत्रिमंडल विस्तार या फिर फेरबदल को लेकर जल्द ही निर्णय लिया जा सकता है। बता दें कि लंबे समय से बाद ही अब सोनिया गांधी से अशोक गहलोत की बीते गुरुवार को 1-to-1 मुलाकात हुई है और पार्टी अध्यक्ष से मिलने के बाद अशोक गहलोत ने 10 जनपद जो है उस पर मीडिया से चर्चा की और मंत्रिमंडल विस्तार के सवाल पर गहलोत ने साफ कह दिया कि हाईकमान को सारी परिस्थितियों से अवगत करा दिया गया है, हाईकमान को ही निर्णय लेना होगा, अभी थोड़ा सब्र रखिए। और बताया जा रहा है कि कांग्रेस हाईकमान ने हरी झंडी दी है तो राजस्थान में अशोक गहलोत मंत्रिमंडल का विस्तार इसी महीने हो सकता है, लेकिन मंत्रिमंडल में फिलहाल किसी बड़े फेरबदल की संभावना नहीं है। पेच अभी भी विस्तार और फेरबदल में फंसा हुआ है और पार्टी हाईकमान विस्तार के बजाय फेरबदल चाहता है। एक गतिरोध मंत्रियों को हटाने के मसले पर भी है, अगर विस्तार हुआ तो संगठन और सरकार दोनों शामिल नेताओं के मंत्री पद की कुर्सी बच सकती है। कांग्रेस विधायक भरत सिंह ने कुंदनपुर में खनन मंत्री प्रमोद जैन भाया के खिलाफ मुख्यमंत्री को लिखे पत्र पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने चुटकी ले ली है। पुनिया ने इस मामले में ट्वीट कर राजस्थान सरकार और मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है। पुनिया ने लिखा, भरत सिंह के पर्यावरण प्रेम का अभिनंदन मामला अत्यंत गंभीर है और कांग्रेस के लिए आत्म अवकोलन को चुनौती है। और पुनिया ने यह भी लिखा कि यहाँ कहा जा सकता है कि घर का मामला है, लेकिन ये सिर्फ हेमा राम के घर में और दीपेंद्र सिंह के मंथली टिप्पणी जैसा नहीं है। फैसला लाश पर होगा और कोई विधायक यूं नहीं कहता कि इस टिप्पणी के साथ ही सतीश पुनिया ने अपने ट्विटर पर भरत सिंह की ओर से मुख्यमंत्री के लिखे पत्र को भी अटैच किया है। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक भरत सिंह और प्रदेश सरकार में खनन मंत्री प्रमोद सिंह भैया के बीच में अदावत पुरानी है और इसी के चलते ही एक बार फिर से भरत सिंह ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर बारां जिले के अंतः तहसील में जारी किए गए खनन पट्टों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने यहां तक के लिखा है कि मंत्रिमंडल के गठन के समय एक अत्यंत भ्रष्ट व्यक्ति को प्रदेश के महत्वपूर्ण खनिज विभाग का मंत्री बना दिया गया और भरत सिंह ने अपने पत्र में ये भी लिखा कि ये मेरा संकल्प है कि अगर प्रमोद जैन की खाने चलेंगे तो सरकार इसका समर्थन करेगी, तो इसके लिए उनकी लाश को हटाकर खनन करना होगा। अलवर जिले में एक बार फिर से अज्ञात बदमाशों ने एक फर्नीचर शोरूम में तोड़फोड़ फायरिंग कर दी है। हथियारबंद बदमाश एक बाइक पर सवार होकर आए थे, जिन्होंने दुकान मालिक पर सबसे पहले चाकू से हमला कर दिया, जिसके बाद बदमाशों ने दुकान मालिक से सोने की चेन सहित अंगूठी सहित ज्वेलरी आदि उतरवाए और हथियारों के बल पर ही कैश लूट कर फरार भी हो गए। बदमाशों ने दुकान में रखे लैपटॉप भी तोड़ दिया और सीसीटीवी पर भी उनकी फोटोज जो है वो कैद हो चुकी है और मौके से फरार भी बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि घटना में बदमाशों ने करीब आधा दर्जन राउंड फायरिंग की है और चाकू से वार किए जाने के बाद दुकान मालिक और एक कामगार घायल भी हो गया। वारदात के बाद दुकान पर काम कर रहे कर्मचारियों में दहशत फैल गई, वहीं सभी सहमे हुए से नजर आए। अज्ञात बदमाश दुकान बढ़ाने के पहुंचे हुए थे और आपको ये भी बता दें कि वहां पर जमकर आतंक मचाया गया है और वो अभी आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। पीड़ित दुकान मालिक ने घटना की जानकारी तुरंत पुलिस को दी है। हरियाणा और राजस्थान पुलिस मौके पर पहुंची और मामले पर छानबीन शुरू कर दी है। बता दें कि भिवाड़ी में पिछले लगभग 2 महीने से अलग अलग व्यापारी संस्थानों पर फायरिंग की वारदात हो चुकी है, जिससे शहर में अब व्यापारी वर्ग पूरी तरह से डरा हुआ दिखाई दे रहा है, दहशत का माहौल बना हुआ है। बहरहाल मामले को लेकर हरियाणा और राजस्थान की पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है और क्षेत्र में नाकेबंदी की जा रही है। दूसरी ओर पीड़ित परिवार पूरी तरह से सहमा हुआ नजर आया और घायलों का इलाज फिलहाल जारी है। वहीं पुलिस मामले पर नजर बनाए हुए है। बदमाश एक बाइक पर सवार होकर आए थे, जिन्होंने जमकर आतंक मचाया और घटना में लूटे गए कैश और ज्वेलरी की कीमत का आकलन किया जा रहा है।